हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है लव लाइफ में। आप लोगों की आगे क्या होने वाला है लव लाइफ में, आगे क्या होने वाला है। ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पार्टनर आपके लाइफ में है, जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पार्टनर आपके लाइफ में विथ क्लैरिटी रिटर्न आएंगे, अगर आप दोनों में अभी सेपरेशन है तो। ओके, जो कुछ भी इस टाइम पर आप लोग सोच रहे हो, वही कुछ आपके लाइफ में घटित भी होंगे। आपके पार्टनर अपने फुली पावर में आएंगे। अगर ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाए थे, कुछ भी स्टैंड नहीं ले पाए थे, तो आपके पार्टनर यहाँ पर लग रहा है कि अपने पावर में आएंगे और आपके लिए कोई पावरफुल डिसीजन लेंगे। ओके, और लव लाइफ में आगे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, जो लोग भी ऑलरेडी मैरिज में है अपने पार्टनर के साथ, उनकी लाइफ में यहाँ पर अबंडेंस आने वाली है। कुछ गुड न्यूज़ रिसीव हो सकता है। अगर सेपरेशन चल रहा है तो रिकन्सिलेशन हो सकती है। इशूज़ को लेकर कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आप लोगों को। न्यू बेबी बॉर्निंग के कोई मैसेज या कोई न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। ऐसे कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकती है। मॉनेटरी बेनिफिट मेजर लेवल की हो सकती है आपके फैमिली में। और जिन लोगों को भी इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, चाहे आप सिंगल हो मैरिज में हो, उन लोगों को क्लैरिटी मिलते हुए दिख रहा है। कमिटमेंट का वेट जो लोग कर रहे हैं, उनको कमिटमेंट मिल सकती है। और इससे भी अलग, आप लोग अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ स्पेशल अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैजिशियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी वो मैनिफेस्टेशन आगे चलकर वर्क करने वाली है। ओके, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आगे चलकर क्लैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है लव लाइफ में, और कमिटमेंट भी आ रही है। आप लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे आगे चलकर।